वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। आज है 28 जून, यानी कि संडे। संडे इज़ फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे लिए सुपर संडे है, बिकॉज आज के करंट अफेयर प्लस पूरे वीक के करंट अफेयर का रिवीजन इन दी फॉर्म ऑफ योर टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ आपको मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू आपने सर्च करना है, ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे आपके लिए डेली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं 30-40 क्वेश्चंस का, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू काफ़ी बेनिफिट रहेगा। आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिए। तो शुरू करेंगे आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो आज संडे है, हमारे स्टूडेंट्स को पता है, आज के दिन हम बस इस फॉर्मेट में लाते हैं। कल ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में भी मिल जाएंगे एंड कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको मिल जाएंगे, बट एक दिन हमने रिजर्व रखा है फॉर रिविजन। सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंडिया स्लिप्स डाउन 77 प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी इन स्विस बैंक। सो हमारे भारत का रैंक कम हो गया जी, 3 प्लेसेस हमने स्लिप कर लिया, 77 पोजीशन आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ मनी इन स्विस बैंक, जिसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। एंड इस लिस्ट को टॉप किया यूके ने, फॉलोड बाय यूएस। तो टॉप पे यूके है। अबाउट दिस, स्विस बैंक हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, थॉमस जॉर्डन इज द चेयरमैन ऑफ स्विस बैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ये याद रखेंगे। सो सेकेंड इज, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड नेम्ड एज अ होस्ट ऑफ फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023, जो 2023 में होगा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को एज ए होस्ट नॉमिनेट किया गया। अब आप मुझे बताओ 2022 का मेंस जो फीफा वर्ल्ड कप होगा कौन सी कंट्री में होगा, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हमारा MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे, 27 को जून को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। ओके, हमारे मिनिस्टर कौन है? हमारे मिनिस्टर हैं MSME के, नितिन गडकरी, वो आपने याद रखना है। एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड बाय फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट कुमार संगकारा। तो इन्हें नॉमिनेट किया गया इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन क्लेयर कोनोर, जो बनेगी नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी। प्रेजेंटली कौन है? कुमार संगकारा। एज पर रूल्स, एज पर गाइडलाइन, प्रेसिडेंट का टर्म एक साल का होता है, बट कुमार संगकारा ने दो साल एज ए प्रेजिडेंट सर्व किया है, ये आपने याद रखना है। ओके, देन उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड महापरवाना प्लान टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज। तो इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना एक योजना स्टार्ट की। ओके, सो ये आगे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जैसे मैंने आपको बताया, आज का दिन हमारा स्पेशल है फॉर योर टेस्ट। सो शुरू करेंगे फिर आज का रिविजन जो होगा इन दी फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिए। आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है जो आप लाइक करते हो। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रेडियो स्टेशन हैज स्टार्टेड गिविंग वेदर बुलेटिन ऑफ इंडियन टेरेटरीज। सो दिस हैज़ बिन स्टार्टेड बाय, आप लोग खुद इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। आई होप अभी तक आपने आंसर करेक्ट गेस कर लिया। एग्जैक्टली, नेपाल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कालापानी डिस्प्यूट इज इन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पोल कंडक्टेड ऑन सोशल मीडिया बाय विजडन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग बैट्समैन इज द ग्रेटेस्ट इन लास्ट 50 ईयर्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो नंबर वन पे कौन रहे जी, ये आपने बताना है। आई होप आपने करेक्ट आंसर अपने माइंड में गेस कर लिया। एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़। द वॉल, द ग्रेट वॉल के नाम से भी एक काफ़ी ज़्यादा इनका निकनेम है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम एमिंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर्स। सो दिस स्कीम, दिस योजना हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको बताना है। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया। एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज त्रिपुरा। बिप्लब कुमार देव इज द CM ऑफ त्रिपुरा। सो नेक्स्ट इज, किथी गनहली लेक, यू हैव टू आंसर, ये कौन सी इंडियन स्टेट में है लेक, जिस पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जिसके चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल हैं, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जी। सो दिस लेक इज इन कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक भी आपके साथ शेयर की जा रही है 69 रुपीज़ में, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर दिसंबर 2019 से लेकर मई 2020, 2000 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर जाके इसे परचेज करके इसका बेनिफिट उठाएं। एंड टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू
ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सर्च करना आपने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भारतीय जनसंघ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कुछ क्वेश्चन है इस तरीके से। नीति आयोग लॉन्चेस कैंपेन नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, लाइक इतनी पार्टनरशिप्स हुई इनकी ऑर्गेनाइजेशन के, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंजेस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू अडॉप्ट द ईजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू नॉर्मल, मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, नॉट स्पिटिंग इन द पब्लिक। तो इस तरीके के आप ये आपके लिए न्यू नॉर्मल होने चाहिए, यू हैव टू अडॉप्ट इट। सो नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लाइक बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स इन द स्टेट, जो दूसरे स्टेट से आए। 31 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में इसे लॉन्च किया गया, तो ये आपने याद रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे वर्चुअली इसे लॉन्च किया, ये आपने याद रखना है। लिवरपूल विंस इंग्लिश प्रीमियर लीग, फुटबॉल लीग है 2019-20 का टाइटल इन्होंने जीत लिया, ये आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन ओपन्ड इन विच कंट्री, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे ये रखी गई है। नेशनल यूथ डे कौन सी डेट को होता है, कमेंट करके बताइए। सो इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है जी, लाइक विवेकानंद यूनिवर्सिटी, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। सो कहाँ पे ओपन हुई जी, 24 अगस्त, यानी कि 24 अगस्त 2020 से ही इसके मैं क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी। सो USA इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी इसका फुल नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू इंस्टॉल इंडिजीनियसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, सो दिस हैज़ बिन इंस्टॉल्ड बाय एग्जैक्टली बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रिसेंटली मूवी प्रोड्यूसर स्टीव बिंग पास्ड अवे, नाउ यू हैव टू आंसर ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज USA। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर टू ऑफर रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन ऑन स्टोरेज एंड सप्लाई फॉर फूड ग्रेन्स, तो किस किस का समझौता हुआ ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज IIT दिल्ली। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस जो डेली पूछे जाते हैं, आज एक पूरे PDF जब आप वीकली डाउनलोड करोगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एक साथ मिल जाएंगे। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। एग्जैक्टली 27 जून इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थीम याद रखना बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज अवर इंडियन रीजन, इंडिया एवरेज टेम्परेचर हैज़ बिन इंक्रीज बाय हाउ मच डिग्री सेल्सियस बिटवीन 1901 to 2018, सो कितना टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ है हमारे इंडिया का एवरेज टेम्परेचर। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज 0.7 degrees Celsius। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन फॉर माइल्ड टू मॉडरेट केसेज ऑफ COVID-19। एग्जैक्टली नेक्स्ट इज रिसेंटली कैबिनेट गिव्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस टू कुशीनगर एयरपोर्ट, नाउ यू हैव टू आंसर इट इज इन विच इंडियन स्टेट। एग्जैक्टली UP इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली लॉन्च नेविगेशन सैटेलाइट बायडू, तो कौन सी कंट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया, सो दिस हैज बीन डन बाय चाइना। ओके, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट देविका एंड पुनेजा ब्रिज इन विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, आई एम सॉरी टू से ये डेली फोन डिस्टर्ब करता है एंड यू नो हर बार ही हो रहा है। ओके, तो ये आपने बताना है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते सर फोन क्यों ऑफ नहीं रखते साइलेंट, सो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ऑफ रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज ये देविका एंड पुनेजा ब्रिज कहाँ पे इनॉग्रेट किए गए ये आपने बताना है जितेंद्र सिंह द्वारा, सो ये जम्मू एंड कश्मीर। ओके, देविका ब्रिज का उद्घाटन हुआ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में एंड पुनेजा ब्रिज BRO द्वारा बनाया गया, दोनों ब्रिज पुनेजा ब्रिज डिस्ट्रिक्ट डोडा, देविका उधमपुर में। नेक्स्ट इज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस टू पुल ऑल कॉरपोरेटिव बैंक्स अंडर सुपरविजन ऑफ आरबीआई। सो ये पॉइंट आप याद रखिए कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा जो जितने भी हमारे कॉरपोरेटिव बैंक हैं अंडर रिजर्व बैंक की निगरानी में रखे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक डेटा अंडर इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ रिटेन इट्स पोजिशन एज थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। सो ये आप याद रखेंगे, हमारी पोजिशन रिटेन रही फॉर द ईयर 2017 थर्ड नंबर पे, एंड अगर बात की जाए ओवरऑल नंबर वन पे रहा चाइना, सेकंड नंबर पे रहा यूएसए। ठीक है, अपने इंडिया का याद रखना है, फर्स्ट याद रख लो चाइना, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर की बात हो रही है। ओवरऑल इकॉनमी की बात की जाए तो हमारा इंडिया सिक्स्थ नंबर पे है एंड यूएसए नंबर वन पे है, चाइना सेकंड पे है। देन उसके बाद यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 360 मिलियन चिल्ड्रन विल बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स, ये पॉइंट आप याद रखिए। सो नेक्स्ट इज ट्रेजरी डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है यूएसए का, इंडिया हैज़ बिकम द 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ द मंथ अप्रैल। सो 12th नंबर पे हैं, एंड इसके साथ साथ जापान का याद रखो जो सबसे ज़्यादा लाइक होल्डर है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, वैल्यू है जिसकी $1.266 trillion। अगर इंडिया की बात की जाए विद अ टोटल होल्डिंग ऑफ $157.4 billion, ये आप याद रखिए। ओके, एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्चेस युक्ति 2.0 फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इसका सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया था, ये आप याद रख लीजिए। एंड कन्वर लाल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरियाणा के, इन्होंने रिलायंस जियो टीवी के साथ पार्टनरशिप की टू बेनिफिट अराउंड 52 लाख रूरल स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस COVID-19 पैंडमिक, तो याद रखो। ओके, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो कौन से स्टेट द्वारा ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इनके लिए वैकेंसीज भी बढ़ाई गई, सो दिस इज़ क्वालिफाई एंड सेम मिस्टेक आई थिंक दिल्ली में भी हुआ था, सो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। एंड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिजर्वेशंस की डिटेल्स यहाँ पे आपके साथ शेयर की गई हैं, ये सारी चीज़ें मैं डेली शेयर कर ही चुका हूँ। रिसेंटली नासा एस्ट्रोनॉमर्स हैज डिस्कवर्ड द रिमार्केबल न्यूट्रॉन स्टार विच इज़ नोन एज स्विफ्ट J1818.01607। You have to answer it is approximately how many years old? Correct answer is 240 years. Next is USA has suspended H-1B visa till 31st December 2020. Okay, इस तरीके के वीज़ाज लाइक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ाज जो US देता है, तो कुछ टाइम के लिए इस पर सस्पेंड किया गया बिकॉज दे वॉन्ट कि पहले वहीं के जो सिटीज़न हैं उनको वीज़ा लाइक उनको जॉब्स ऑफर की जाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ड्यू टू COVID-19, तो याद रखिएगा। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस जैसे डेली शेयर किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन टू बूस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया, तो ये आपने बताना है। सो दिस एग्रीमेंट दिस पार्टनरशिप हैज़ बीन साइंड बिटवीन नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन एंड कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020। तो हमारे इंडिया का रैंक क्या रहा, टॉप्ड बाय डेनमार्क, करेक्ट आंसर इज 69। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद एफोर्ड प्लान टू लॉन्च को ब्रांडेड हेल्थ कार्ड कॉल्ड स्वस्थ कार्ड, दैट मीन हेल्थ कार्ड। सो दिस पार्टनरशिप हैज बीन साइंड बिटवीन एफोर्ड प्लान दिल्ली बेस्ड कंपनी एंड येस बैंक। नेक्स्ट इज ओके, इसरो हैज़ रिसीव्ड ए पेटेंट फॉर इट्स लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू यूज़ इन स्पेस, तो ये पॉइंट याद रखो। सेंटर विल एलोकेट 3,000 crore फ्रॉम PM केयर फंड फॉर वेंटिलेटर एंड माइग्रेंट्स वेलफेयर, टोटल अमाउंट याद रख लीजिए। एंड कर्नाटका बैंक लॉन्च न्यू प्रोडक्ट जिसका नाम रखा गया KBL माइक्रो मित्रा, लाइक दिस प्रोडक्ट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 10 lakh बिजनेसमैन, तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, KBL माइक्रो मित्र। ओके, फॉर्मर इंडियन राइफल शूटर पूर्णिमा जैनन एंड इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन लाइसेंस्ड कोच कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया पुणे में, ये आप याद रख लीजिएगा इनका नाम एंड इनकी एसोसिएटेड स्पोर्ट्स याद रखना अपने।
लाइक एक चिप बनाई गई जिसका नाम ध्रुव रखा गया आईआईटी बॉम्बे द्वारा, ओके, विच विल हेल्प टू लाइक गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर कंडीशंस. तो नेम ऑफ दिस चिप इज ध्रुव, याद रखेगा. ओके, विश्व बंधु गुप्ता, इनका निधन हो गया. ही वॉज ऑल्सो निक नेम्ड एज बैलून मैन ऑफ इंडिया. सो दिल्ली को इन्होंने राज्यसभा में लाइक रिप्रेजेंट किया था 1984 टू 1990, ये आप याद रख लीजिए. एंड GEM यानी कि जेम, मैंडेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कंट्री ऑफ ऑरिजन. तो हमारे बिजनेसमैन जो जेम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ऑल ओवर द कंट्री, तो जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे दे मस्ट हैव टू लाइक एंटर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट कौन सी कंपनी से, लाइक कौन सी कंट्री से बन के आया है. तो ये मैंडेट किया गवर्नमेंट ने. ओके, हु ऑथराइज द बुक टाइटल लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया. सो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज अमेश त्रिपाठी. ओके, देखो मैं आप स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट रूट करूंगा. आई डोंट नो कि यूट्यूब हमारे चैनल को रिकमेंडेशन में क्यों नहीं डाल रहा, बट आई वॉन्ट कि जो लोग स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं विजिट, एटलीस्ट यू मस्ट हैव टू सपोर्ट अवर इनिशिएटिव. ये इतना ईजी नहीं रहता. ओके, देखो आप ऐसे चैनल्स भी देख लो जो लाइक्स में इवन मिलियंस में वो भी इतना आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते. किसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको वीकली वीडियो नहीं प्रोवाइड करता, ना कि कोई मंथली प्रोवाइड करता. ओनली वी आर प्रोवाइडिंग यू बिकॉज वी वांट कि आप लोग को इससे बेनिफिट हो, बट इन रिटर्न वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग. देखो एक ह्यूमन नेचर है आप लोगों से, तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस रहेगी. एक वैसा कहते हैं ना, यू डोंट नीड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन, बट इन रियलिटी ह्यूमन नेचर एक्सपेक्ट. ओके, सो एटलीस्ट आप लोग शेयर कर दो, मुझे मेरे लिए वही एक मोटिवेशन है. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है आपके लिए, एंड इमेजिन कम से कम मुझे 3 आवर्स लगेंगे इस वीडियो को बनाने में. सो आई थिंक इट्स अ गुड डील. इतना तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हो, ऑल दो सब कुछ आपके लिए ही तो हो रहा है सब कुछ. राजस्थान गवर्नमेंट इज लॉन्च इंदिरा रसोई योजना फॉर पुअर्स टू इंश्योर नो वन स्लीप हंगरी इन द स्टेट. तो इंदिरा रसोई योजना जिसमें वो इंश्योर करेंगे कि कोई भूखे पेट ना सोए, तो योजना का नाम याद रखो. वसीम जाफर बिकेम द हेड कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम, इनको हेड कोच बनाया गया. वेल ये सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे मैं आप शेयर कर ही रहा हूँ, बट MCQ फॉर्मेट में. तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपको वो पता ही चल गया होगा कि ये क्वेश्चंस आप डेली टेस्ट तो हो ही रहा है. इवन आपको 3-3 जगह रिवाइज करवाया जा रहा है. सो वर्ल्ड ओलंपिक डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है, 23 जून. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बिकेम द वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट एक्सचेंज विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $1.7 trillion. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम टॉप 10 में हमारी स्टॉक एक्सचेंज नामित की गई. दिस लिस्ट हैज़ बिन टॉप्ड बाय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विद द वैल्यूएशन ऑफ $19.3 trillion. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. रिसेंटली विच फेमस रथ यात्रा वॉज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रथ यात्रा थी. जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा, उड़ीसा, उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट से ये यात्रा शुरू हुई थी, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अप्रूव किया था लाइक विद सम लाइक कंडीशंस. तो जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह एंड 500 पीपल्स को अलो किया था, पब्लिक गैदरिंग बिल्कुल अलो नहीं की गई थी. ओके, रिसेंटली विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय फिकी FLO, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. सो व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम्पावरिंग द ग्रेटर 50%. ओके, बाबा रामदेव जी की दवा कोरोनिल, फाइनली उन्होंने तो क्लेम कर दिया, बट अभी फिलहाल तो आयुष मंत्रालय द्वारा इसे होल्ड पे रखा गया, एंड वो इसका टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं कि एक्चुअली इट इज़ इफेक्टिव और नॉट. तो फिलहाल तो इसमें एडवर्टीजमेंट बंद रखी गई है, एंड द नेम ऑफ दिस मेडिसिन इज कोरोनिल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ओके, इंटरनेशनल वीडियो डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, 23 जून. ओके, अंडरटेकर अनाउंस रिटायरमेंट, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी. द डेड मैन मार्क कैलवे इज द रियल नेम ऑफ दिस लेजेंड, एंड आप सबका फेवरेट, लाइक मेरा फेवरेट एंड कुछ स्टूडेंट्स का फेवरेट. देन उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर डॉक्टर डीवी सदानंद गौड़ा हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020. दिस एक्सपो हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय फिक्की. The unique exhibition aims to boost such health and hygiene facility in India. याद रखो. Okay,
व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान टू सीक विच सीक्स टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू माइग्रेंट वर्कर्स. तो इसका टेन्योर कितना है ये आपने बताना है. 125 डेज. ओके. नीति आयोग हैज रिसेंटली एडवाइज्ड विच टेलीकॉम ऑपरेटर टू यूज इंडिजिनियस डिजाइंड डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्यूशन फॉर इट्स 4G नेटवर्क. BSNL इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉर्म्ड ए कमिटी ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेट वर्कर्स. सो करेक्ट आंसर इज नीति आयोग. ओके. ये कुछ क्वेश्चंस. ओके. नेक्स्ट एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे किसे बनाया गया. एग्जैक्टली, विजय खंडूचा इज द करेक्ट आंसर. ओके. द यूएस सेनेट अपॉइंट्स सेतुरमन पंचनाथन एज द हेड ऑफ नेशनल स्पेस फाउंडेशन. दिस इज पंचनाथन, एंड इंक्लूड कर लीजिएगा पंचनाथन. ओके. इन्हें डायरेक्टर बनाया गया एंड ही हैज बिकेम द सेकेंड इंडियन टू बी अपॉइंटेड ऑन दिस पोजिशन एंड द फर्स्ट वॉज सुब्रा सुरेश. ओके. फर्स्ट भी याद रख लीजिएगा एंड सेतुरमन पंचनाथन याद रखिए. ओके. फ्रांस एंड साइन ए लोन एग्रीमेंट ऑफ 200 मिलियन यूरो विद इंडिया टू बूस्ट COVID-19 रिस्पॉन्स. ये आप याद रख लीजिए. एंड नीति आयोग विल लॉन्च डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया विद द पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फॉर्म टू डेवलप ए पाथवे टूवर्ड्स लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया. याद रख लीजिए. एंड ITF यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फॉर्म के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं यंग टे किम. ओके. वर्ल्ड बैंक ने $1.05 मिलियन लाइक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया बांग्लादेश को. याद रखो. कारमेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, वो आपने याद रखना है. ओके. उसके बाद पद्मश्री अवार्डी विद्या बहन पास्ड अवे, इनका निधन हो गया, ये आप याद रख लीजिए. ओके. उसके बाद फॉर्मर क्रिकेटर राजेंद्र गोयल पास्ड अवे, इनका निधन हो गया. ही हैज लाइक रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट विकेट्स इन रणजी ट्रॉफी, इनका नाम याद रखो. हरियाणा के लिए खेला इन्होंने राजेंद्र गोयल. ओके. हमारे डिफेंस मिनिस्टर 3 दिन की यात्रा पे गए थे, हमारे रशिया में गए थे. ओके. एंड 75th परेड डे ऑब्जर्व किया था एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्ट्री में रशिया ने, वो आपने याद रखना है. वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को ऑब्जर्व की जाती है जिसका थीम रखा गया था हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज. निकी पोनाचा हैज बीन इलेक्टेड एज इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मैन सिंगल प्लेयर इन पैनल. देन एल्डो चेवेरिया हॉस्पिटल इज इन निकारगुआ एंड एग्जिम बैंक ने इस पे लाइक मदद की है जी. ठीक है. $20.10 मिलियन का इसमें मदद किया है फॉर हॉस्पिटल रिकंस्ट्रक्शन. ये हमारे एग्जिम बैंक ने ये मदद की है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च TS वेदर ऐप फॉर द लाइक फॉर वेदर इन्फॉर्मेशन. तो वेदर इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सी स्टेट ने ये एप्लीकेशन लॉन्च की, TS वेदर. सो ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वोल्कन बॉजकिर जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो आपने याद रखना है 75th यूएस जनरल असेंबली के. एंड इंडिया विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पावरफुल 15-नेशन बॉडी फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 2 साल में जो हमारा टेन्योर हमारे इंडिया इसमें चुना गया. ओके. 8वीं बारी चुना गया एंड 2 साल के टेन्योर में 2 महीने एज ए प्रेजिडेंट सर्व करेगा अगस्त 2021 में एंड 2022 अगस्त में. तो यानी कि अगस्त मंथ में ही करेगा हर साल. जितना भी ये रोटेशनल चलता है जो भी कंट्रीज होती हैं उनको मौका दिया जाता है. आप इंडिया को याद रखेगा अगस्त 2021 में एंड अगस्त 2022 में एज अ प्रेसिडेंट सर्व करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का. 8वीं बार इंडिया सिलेक्ट हुआ है इसमें, इलेक्ट हुआ है. विच इंडियन हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड. करेक्ट आंसर इज अमर्त्या सेन. ओके. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ BMW इंडिया. एग्जैक्टली विक्रम पावा इज द करेक्ट आंसर.
ओके, विच स्टेट हैज ओब्लिक यूनियन टेरिटरी हैज चेंज द नेम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट टू एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट? तो कौन सी स्टेट द्वारा ये नाम चेंज किया गया? जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट स्टेट, आई एम सॉरी टू से, इट्स यूटी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल गेट 0% टैरिफ ऑन 97% ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड टू चाइना? यानी कि 97% तक जो इसके प्रोडक्ट्स रहेंगे विद जीरो टैरिफ, कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो लाइक अंडर द ड्यूटी फ्री कोटा फ्री DFQF अंडर द स्कीम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बांग्लादेश. ओके, ब्रिटिश पेट्रोलियम इज गोइंग टू सेट अप ए ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर इन विच इंडियन सिटी? Exactly. Who has been appointed as a chairman of National Institute of Public Finance and Policy? So, Urjit Patel. Who has become the brand ambassador of JSW Cement? Headquartered this company ke Mumbai mein. Exactly. Football team ke captain Sunil Chhetri and 39th president of BCCI, goodwill ambassador for Tokyo Olympics, Indian athletes ke liye Sourav Ganguly. Okay, RBI has extended the restriction of Punjab Maharashtra Corporation Bank for 6 months more, like 6 mahine ke liye aur extensions is pe restrictions laga di gayi hai, theek hai, and withdrawal limit bada di gayi hai 50,000 se 1 lakh kar di gayi hai. Kubatek Boronov has been appointed as the Prime Minister of which country? Kazakhstan. Bishkek is the capital, Kazakhstan Som is the currency. Which of the following state has announced to ban online classes for pre-primary and primary classes? So, Madhya Pradesh is the correct answer. Well, Karnataka ne bhi aisa kiya hai. Okay, so correct answer is Madhya Pradesh. ये क्वेश्चन आपके लिए, द फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? नाउ एक स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर अगर ऐसे पूछ लिया गया तो दोनों ऑप्शंस दे दिए, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी. ओके, ये बताओ कौन सी कंट्री में होंगे द फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? कब होंगे ये भी बताओ, ईयर बताओ, कौन सी कंट्री में होंगे ये बताओ. एंड उसके बाद ये जो क्वेश्चंस डेली होते हैं आपके लिए, इनके आंसर्स भी यहाँ पे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. वीडियो आपको अच्छा लगा एंड इंटरेस्टिंग लगा, आपके सारे करंट अफेयर रिवाइज हो गए हैं जी अभी तक फोर्थ वीक ऑफ जून, एंड आपको अब ज़्यादा बेटर लग रहा होगा, सारा रिवीजन हो चुका है. अगर आप डेली वीडियोज हमारे देखते हो एंड टेलीग्राम पे टेस्ट दे रहे हो तो आपको अभी तक तो आपको 3 बारी रिवाइज हो चुका है, क्योंकि वहाँ भी मैं डेली आपका रिवाइज करवा चुका हूँ. सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट बनाए रखें, आप लोग शेयर करते रहिए. यूट्यूब के एल्गोरिथम्स हमारे चैनल को बिल्कुल भी रिकमेंडेशन में नहीं डालता, क्योंकि स्टूडेंट्स तक ये पहुंच ही नहीं पाता हमारा चैनल. सो उम्मीद आपसे ही है एंड एक रिक्वेस्ट भी आपसे, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, इतने एफर्ट्स हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो आप लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड इसे सपोर्ट कीजिए. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट.